अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसमा और आप देख रहे हैं आसमास कुकिंग स्पॉट, आपका अपना कुकिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कीमांडा करी। इसके लिए हम ले लेंगे एक कढ़ाई और इसमें हम ऑयल डाल लेंगे तकरीबन हाफ कप, और इसके अंदर डालेंगे हम एक टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और एक टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, और इसको हल्का हल्का सा हम फ्राई करते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट में चूंकि पानी भी होता है, थोड़ा सा लिक्विड ही होती है, तो इसलिए ये काफ़ी जो है वो ऑयल में जब जाती है तो काफ़ी ज़्यादा ये छरछर करती है। उसके बाद थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जो है वो सेटल हो जाता है। इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन आधा कप ऑनियन, फ्राइड ऑनियन। चले, जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ साथ हम ऑनियन को भी इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें, हमारे जिंजर गार्लिक पेस्ट ने और ऑनियन ने अपना जो कलर है वो काफ़ी चेंज कर लिया है। हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे दो टमाटर, मैंने रफली चॉप किए हुए हैं, और इनको हम नरम होने तक पकाते रहेंगे। ले जी, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसके अंदर डाल देंगे स्पाइसेस जो हैं कि हमने 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून करी पाउडर है, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है और 1 टीस्पून सॉल्ट है। अभी हम सिर्फ इतना ही डालेंगे। चले जी, इसको भी हम मसाले के साथ अच्छा सा भूनते हैं। ठीक है, हमारा मसाला रेडी हो गया है, तो इसके अंदर हम डालेंगे कीमा। मेरा चिकन का कीमा है और ये मैंने लिया है 350 ग्राम। कीमे को हम अच्छे से इसके साथ ही मसाले के फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर, ताकि हमारा कीमा जो है वो बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाए। हमने इसको बिल्कुल वो हल्की आंच पे भी नहीं पकाना, हमने मसाले के साथ हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। चलिए, कीमा हमारा भुन चुका है, तो इसके अंदर डाल देते हैं 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, और साथ ही हम इसके अंदर थोड़े से लौंग डाल देंगे। लौंग के साथ ज़रा सा इसका कोरमे वाला फ्लेवर आता है। हमने 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दिया है कोरिएंडर पाउडर और 1 टीस्पून इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर। चलिए जी, इसको भी हम मसालों के साथ अच्छा सा भून लेंगे, जब तक ये तेल जो है इसके अंदर ऑयल डाला है वो सेपरेट नहीं हो जाता। कवर करते हैं और इसको पकने के लिए रख देते हैं। तीन से चार मिनट हमने हाई फ्लेम पर इसको पकाया है, और देखें इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है और हमारे सारे मसाले भुन चुके हैं। तो देखिए, हमने हाई फ्लेम पर कीमे की इस तरीके से भुनाई करनी है कि ये थोड़ा सा कलर चेंज कर जाए। देखें, ये बिल्कुल सुर्ख हो चुका था, तो हमने इसके अंदर डाल दिया है तकरीबन आधा कप पानी। कवर कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देते हैं। चलिए जी, अब हमने उठाया है तो कीमा हमारा तकरीबन पक चुका है, तो इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा हम गरम मसाला छिड़क देंगे, हरी मिर्चें डालते हैं। कीमा जो है इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतना अच्छा ये हाई फ्लेम पर भुना है और बहुत ही मज़े का ये कीमा तैयार हो रहा है। इसके साथ ही हमने चूंकि इसके अंदर बॉयल एग्स डालने हैं, तो दूसरी साइड पर हम अंडे बॉयल करने के लिए रख लेंगे स्टेज पर। तकरीबन 8 मिनट तक अंडों को बॉयल करेंगे तो ये हार्ड बॉयल हो जाएंगे। चलिए, थोड़ी सी काली मिर्च इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल की है, और साथ ही इसके अंदर डाल लेंगे सब्ज़ धनिया। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर ऐड होता है। तो फ्रेंड्स, जब तक अंडे बॉयल हो रहे हैं तब तक आप ऐसे करें कि जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें कि आप कहां से देखते हैं और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। चले, अंडे जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं, तो इसको हम चारों तरफ से इस तरह से कट लगा लेंगे। इसको हमने अलहदा से फ्राई नहीं करेंगे जैसे एक अंडा करी में किया जाता है। इसको मैं डायरेक्ट मसाले में डालूंगी क्योंकि हमारा कीमा मसाला ऑलरेडी इतना रोस्टेड है, और ये जब उसके साथ दम पे लगेंगे तो इसके अंदर कट्स के साथ मसाला अंदर चला जाएगा, तो हमें लदा से इनके मसाले को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे करके इसको दम पे लगा देंगे और फिर इसको हम सर्व करेंगे। साथ ही हमने अपने नान भी रेडी कर लिए हैं क्योंकि अब खाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने रेसिपी आपके साथ भी शेयर करने के लिए तैयार कर ली, और साथ ही हम लोगों ने अपने लिए भी खाना तैयार कर लिया। तो चलें जी, ये देखिए हमारी रेसिपी की फाइनल लुक, ये कितने मज़े की लग रही है। ये बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हुई थी, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स से सादा सी रेसिपी है और लेकिन खाने में लाजवाब है। तो ये देखें जी, इसके लिए मैं सर्विंग जो हमने अपनी प्लेट में तैयार की थी मैं आपको दिखाती हूँ।
और इसको हमने ट्राई किया, ये बहुत ही मज़े का सालन बना था, तो मुझे बहुत ही मज़ा आया खाने का। आप भी इसको ज़रूर बनाएं, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलें इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना खूब ख्याल रखिए।